आप सभी का फिर से स्वागत है आर्टिस्टिक सोल चैनल में। मार्केट में मिलने वाले जैसो की तरह घर पर जैसो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हमें ये घर पर बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मार्केट में मिलने वाले जैसो का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 100 ग्राम की ये बॉटल पड़ती है हमें 140 रुपये की। इस हिसाब से देखें तो 1 किलो का प्राइस हुआ कुल 1400। और आज जो आप होममेड जैसो बनाना सीखेंगे उसके 1 किलो की कीमत पड़ती है मैक्सिमम 400 से 500 रुपये। तो इसे घर पर ही बनाकर हम क्लियरली 1000 रुपये की बचत कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको इसे बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए आपको जिन सामान की ज़रूरत पड़ेगी उसमें पहला है ये टेलकम पाउडर, ऐसा फाइन पाउडर आप ले लीजिए। इसके साथ ये पेपर वाली ग्लू लीजिएगा, फर्नीचर फेविकॉल मत लीजिएगा, सिर्फ पेपर ग्लू ही काम आएगी। इसके साथ ही साथ हमें वाइट एक्रेलिक कलर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो मैं आपको क्वांटिटी का आइडिया दे रही हूँ उसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा या पेपर में नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा जैसो बना हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में बना के दिखा रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस टेलकम पाउडर के 6 चम्मच इस बोल में डालूँगी। बिल्कुल क्वांटिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे भी क्वांटिटी करते हैं तो आपका जैसो बाद में क्रैक हो सकता है। अब यहाँ पर जो हम ग्लू ले रहे हैं इसके 4 चम्मच मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप ये सिंपल पेपर ग्लू ही लें, फर्नीचर वाले ग्लू से ये पेस्ट थोड़ा हार्ड हो जाता है और उसके जल्दी सूखने के चांस भी रहते हैं। इसके बाद ये 20 ml की मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट वाली बॉटल ली थी, जो कि पूरी की पूरी इसमें जाएगी। अब 1 चम्मच पानी डालते हुए सबसे पहले मैं इसे हिलाऊँगी। ज़रूरत के अनुसार इसमें हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालते जाएँगे और इसे मिक्स करेंगे। धीरे धीरे पानी डालने से ये पेस्ट जो है बहुत अच्छी तैयार होती है, इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। आपको भी इसी तरह से धीरे धीरे पानी डालते हुए इस पेस्ट को तैयार करना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छा जैसो बनाना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट, तो उसे आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए या अच्छे से मिक्स कीजिए। जो मार्केट में मिलता है वो मशीन से बनाए हुए होते हैं और उनमें काफ़ी अच्छी मिक्सिंग की जाती है, इसलिए वो इतना फाइन पेस्ट होता है। आप भी अच्छे से इसे हिलाते हुए मिक्स करते हुए बनाएँ और इसको एकदम फाइन पेस्ट जैसा रखें। अब जब ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है तो इसे मैं एक ऐसे कंटेनर में रखूँगी जो कि एयर टाइट होगा। अगर आप जैसो का इस्तेमाल काफ़ी लंबे टाइम के बाद करना चाहते हैं तो आप इसे एक पॉलीथिन में पैक करके भी रख सकते हैं, तो इससे वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। हमारा ये जैसो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। और जैसे कि हर वीडियो में मैं किसी आर्ट मटेरियल को बनाने के बाद उसका यूज़ करना भी सिखाती हूँ, तो इस वीडियो में हम जैसो का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ आप इस जैसो का वो इस्तेमाल करना भी सीखेंगे जो शायद आपने पहले कभी किसी वीडियो में ना देखा हो। मेनली तो जैसो एक प्राइमर की तरह यूज़ होता है, यानी कि कैनवास या किसी भी क्राफ्ट की बेस पर हम इसे प्राइमर की तरह यूज़ करते हैं ताकि उसकी सरफेस स्मूथ हो सके और उस पर काम करने में या पेंटिंग करने में आसानी हो। अगर आप ऑनलाइन इसे सर्च करेंगे तो जैसो आपको 2 कलर के मिलेंगे, एक होगा प्योर वाइट और एक होगा बिल्कुल ब्लैक जेट कलर का। तो ब्लैक कलर भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाने लगा है आजकल हर तरह की क्राफ्ट में। जैसो का एक बेस देना है तो हम 2 तरह के बेस ले लेते हैं, या तो वाइट या फिर ब्लैक। मैंने आपको यहाँ पर वाइट जैसो बनाना सिखाया है। अगर हम इसमें वाइट एक्रेलिक कलर की जगह ब्लैक कलर यूज़ करें तो वो ब्लैक जैसो बन जाता है। ब्लैक जैसो का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में यस भी कर सकते हैं। अगर मुझे 200 से 250 लाइक्स या कमेंट आते हैं तो मैं आपको इस ब्लैक जैसो का फॉर श्योर एक बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट आइडिया देने वाली हूं, जो कि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। अगर आपके कमेंट्स आते हैं और लाइक्स आते हैं तो मैं आपके साथ उसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने इस कैनवास को जैसो से कंप्लीट करने के बाद अच्छे से सुखाया और इसके ऊपर अब मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसे स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं। अब जो मैं आपको इस जैसो का एक अनोखा यूज़ करना बताने वाली हूँ वो है ये कोन बनाकर। जो हमने जैसो बनाया था वो थोड़ा पतला था, लेकिन मैंने इसका एक थिक पेस्ट भी तैयार कर लिया था। ये पेस्ट इतना अमेजिंग है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे ये बिना टूटे और बिना क्रैक हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ निखर कर आएगा। लिपन आर्ट करने वाले बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनका आपने वर्क देखा होगा, लेकिन ये कोन उनसे भी ज़्यादा बेटर और स्मूथ चल रहे थे। आपको यकीन ना हो तो आप खुद बनाकर इसे देखिएगा और इसका यूज़ करके कोई क्राफ्ट ज़रूर बनाइएगा। आई एम 100% श्योर कि आपको इसका ये मैजिक यूज़ ज़रूर पसंद आने वाला है। इन पूरी शेप में मैं इन्हीं कोन का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर फिलिंग करूँगी।
अगर आप चाहें तो इन कोन का इस्तेमाल आप लिपन आर्ट बनाने में भी कर सकते हैं, और इस जैसो के बने हुए पेस्ट में अलग अलग कलर्स को डालकर भी आप अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नए नए तरह के क्राफ्ट्स बना सकते हैं। कुछ आइडिया अगर आपको भी इसे देखते हुए आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस डिज़ाइन को हम 10 से 15 मिनट के लिए सूखने देंगे, और उसके सूखने के बाद ही हम अब बेस पर एक वाइट कोट करेंगे। वैसे ऑलरेडी हमने जैसो लगा दिया था, लेकिन मैं प्योर वाइट कलर के एक एक्रेलिक पेंट की लेयर इस पर पेंट कर रही हूँ। इस वाइट कलर के सूखने से पहले ही हम सी ग्रीन कलर के थोड़े से कलर यहाँ पर डालकर इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। मतलब यहाँ हम इसका एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि जो हमारा मेन डिज़ाइन है वो थोड़ा सा इसके साथ पॉप आउट हो जाए। इस कैनवास पे बैकग्राउंड देने के बाद और उसे ड्राई करने के बाद मैं कुछ फ्लावर्स में यहाँ पर वाइट कलर ही रहने दूंगी, तो मैंने उसकी सेकंड लेयर भी इसके अंदर डाल दी है। आप अपने हिसाब से, अपनी कलर चॉइस के हिसाब से इसमें कलर डाल सकते हैं। आप इस तरह की अगर पेंटिंग करते हैं तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा। किसी भी डार्क के साथ कोई लाइट कलर के कॉम्बिनेशन से पेंटिंग खूबसूरत लगती है। और बाकी के फ्लावर्स में मैं डार्क सी ग्रीन कलर पेंट करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे हर संडे को वीडियो देखते हैं तो आपने पहले भी देखा होगा कि हमने इसमें बहुत तरह के कोन बनाने सीखे थे, जिसमें पहला था 3D आउटलाइनर कि घर पर 3D आउटलाइनर कैसे बनाए जाते हैं, और दूसरा था लिपन आर्ट बनाने के लिए कोन। अगर वो वीडियो भी देखना चाहें तो आप चैनल पे जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इन्हें थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मेटालिक सी ग्रीन कलर का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लेंगे गोल्डन पेंट और इनकी लाइन पर इन्हें बहुत ही पतले ब्रश के साथ यहाँ पेंट करेंगे। बहुत ही आराम से अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो फाइन ब्रश के साथ इन लाइनों पे गोल्डन पेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप यहाँ पर 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी बनाने देखे हैं अपने चैनल पर। और इसके अलावा आप गोल्डन फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ग्लू के साथ यूज़ किया जाता है। गोल्डन पेंट लगाने के बाद हमारी ये पेंटिंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और इस तरह से इसका फाइनल लुक आएगा। होममेड जैसो को बनाने के साथ साथ ही आज आपने इसके दो इस्तेमाल भी सीख लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पर लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही खूबसूरत क्राफ्ट और क्राफ्ट मटेरियल के वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे अगले संडे को ठीक 2 बजे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।